हेलो स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 7th, वेलकम टू दिस वीडियो। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ग्रामर यूनिट 5 नाउंस पॉजेसिव केस। ओपन पेज नंबर 9 इन योर ग्रामर वर्कबुक। फर्स्ट नाउन एंडिंग इज एप्रोस्ट्रोफी एस। यहाँ पे एप्रोस्ट्रोफी जो एस है वो एस से बिफोर है, और यहाँ पे एप्रोस्ट्रोफी एस है वो जो एप्रोस्ट्रोफी है वो आफ्टर एस है। यहाँ पे एप्रोस्ट्रोफी बिफोर एस है और यहाँ पे जो एप्रोस्ट्रोफी है वो आफ्टर एस है। आर सेड टू बी द पॉजेसिव केस। जब नाउन के एंडिंग में एप्रोस्ट्रोफी एस, ये एप्रोस्ट्रोफी एस और एस एप्रोस्ट्रोफी आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉजेसिव केस कहते हैं। सेकेंड, जो पॉजेसिव केस होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, पजेशन, यूज टू शो पजेशन, पजेशन शो करने के लिए, यानी अधिकार शो करने के लिए, ऑनरशिप शो करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जैसे दिस इज अजय हाउस, द हाउस बिलोंगिंग टू अजय। जो हाउस है वो किससे बिलोंग करता है, किससे संबंध रखता है, अजय से। ओके, ये अजय, इसका मीनिंग दिस इज अजय हाउस, ये जो हाउस है वो अजय का है। अजय इज मिस्टर दास सन, यहाँ पे दास के आफ्टर में एप्रोस्ट्रोफी लगी है, तो अजय इज मिस्टर दास सन, सन ऑफ मिस्टर दास। अजय किसका सन है, मिस्टर दास का सन है। फिर है मिल्टन्स पोएम्स आर वर्ल्ड फेमस, तो पोएम किसने लिखी है, पोएम रिटन बाय मिल्टन के द्वारा लिखी गई है, जो मिल्टन्स की पोएम है वो वर्ल्ड फेमस है। थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ नाउंस इन द पॉजेसिव केस, में हम कैसे नाउंस बनाते हैं। फर्स्ट, एड एप्रोस्ट्रोफी एस टू द सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन में हम क्या करते हैं, पहले एप्रोस्ट्रोफी आता है, उसके पहले एप्रोस्ट्रोफी आता है फिर एस, यानी एस से पहले, बिफोर एस हम एप्रोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। कहाँ पे, सिंगुलर नाउन्स में, यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल द हेड मास्टर्स रूम, तो हेड मास्टर्स सिंगुलर नाउन है, हेड मास्टर्स, तो इसलिए हमने यहाँ पे एस से बिफोर एप्रोस्ट्रोफी का यूज़ किया है, एप्रोस्ट्रोफी एस किया है। सेकेंड, एड ओनली एप्रोस्ट्रोफी टू द नाउन ऑलरेडी एंडिंग इन एस, जिसके एंड में एस आता है तो वहाँ पे आपको केवल क्या ऐड करना है, एप्रोस्ट्रोफी ऐड करना है, द हेड मिस्ट्रेस ऑफिस। ठीक है, यहाँ पे पहले से ही एस दिया हुआ है तो इसलिए हमने केवल एप्रोस्ट्रोफी का यूज़ किया है। एड ओनली एप्रोस्ट्रोफी टू द नाउन ऑलरेडी एंडिंग इन एस। ओके, नाउ नेक्स्ट, एड एप्रोस्ट्रोफी एस टू द प्लूलर नाउन्स दैट डज नॉट एंड इन एस। प्लूलर नाउन से पहले हमको एप्रोस्ट्रोफी एस लगाना है और उसके एंड में एस नहीं होता, डज नॉट एंड इन एस, द पीपल्स चॉइस। ओके, द पीपल, ये प्लूलर नाउन है और इसके एंड में एस भी नहीं है, इसलिए हम इसके पहले एप्रोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। फोर, डू नॉट यूज द पॉजेसिव केस फॉर नाउंस ऑफ द न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर मतलब जिसमें नॉन लाइफलेस थिंग्स होती हैं, न्यूट्रल जेंडर लाइफलेस थिंग्स, तो उससे पहले डू नॉट यूज द पॉजेसिव केस का यूज नहीं करेंगे नाउंस में। राइट योर नेम ऑन द कवर ऑफ द बुक, बुक के कवर पे अपना नाम लिखो, तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, राइट योर नेम ऑन द बुक्स कवर, उससे पहले आप पॉजेसिव केस का यूज नहीं कर सकते क्योंकि बुक जो है वो न्यूट्रल जेंडर है। अब ये एक्सरसाइज है, इसमें आपको ये पिक्चर दी हुई है, उसमें क्या करना है, ये जो ब्लैंक्स है इनको फिल करना है पॉजेसिव नाउन्स का यूज करके। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया, ये हरी है, हैरी है, तो ये क्या आ गया, हरी, हरीज, हरीज एप्रोस्ट्रोफी एस लगाया है, शर्ट। ओके, ये क्या है, हैरीज सूट, या पहले ही एस लगा हुआ है ना, इसलिए हमने केवल एप्रोस्ट्रोफी का यूज किया है। ये ग्रैंड मास शॉल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसेस नेकलेस, इसमें भी एस है तो एप्रोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। ये चिल्ड्रंस पार्क एंड ये न्यूट्रल जेंडर, इसलिए हम क्या करेंगे, हॉर्न्स ऑफ द काउ। इसी तरह आपको ये जो पेज नंबर 9 है अपनी वर्क बुक में, सॉरी जीके ग्रामर की बुक में कंप्लीट कर लेना है, पेज नंबर 9। ओके, थैंक यू।